नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना कार्य अच्छा सा कर रहे हैं। मैं आपकी गीतांजलि मैम आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बेटा, आपने ओ की मात्रा का परिचय भी कर लिया, ओ की मात्रा के शब्द भी कर लिए। आज हम ओ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं। आपको वो अच्छे से रीड करने हैं, पढ़ना है और श्रुतिलेख और शब्द लिखेंगे आप इनको देखकर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना सीखते हैं। ख ओ ट खोट, क ओ ट कोट पहन तेरा पापा, च ओ ट चोट गिर जाते तो आपको लग जाती वो वाली चोट, व ओ ट वोट, न ओ ट नोट, ख ओ घोड़ा घोड़ा, ज ओ ड आ जोड़ा। बेटा, अभी मैम ने आपको मात्राएं अलग अलग पढ़ाई, अब हम एक साथ पढ़ेंगे। को ड़ा घोड़ा, झो ला झोला थैला और झोला सेम चीज होती है लगभग। ठीक है बेटा, आ ओ आओ, खा ओ खाओ, जा ओ जाओ, गा ओ गाओ, मोती मोती। बेटा, आपको एक चित्र देख के जो शब्द लिखने हैं उसमें मोती बना हुआ है, आपको लिखना है। टोपी टोपी पहन देना, इसका भी चित्र आपकी बुक में है, आपको ऐसे लिखना है। धोती धोती, छोटा छोटा, मोटा मोटा। ठीक है, ओ झल ओझल, को म ल कोमल, ढोलक ढोलक का चित्र आपकी बुक में है, किताब में है, आपको लिखना है। जो क र जोकर, ठो क र ठोकर, मो ट र मोटर। मोटर आपके पानी की होती है ना, आपके चित्र देख के भी नाम लिखने उसमें भी बनी हुई है, उसमें ये वाला मोटर लिखेंगे आप। दाल मोट दाल मोट, अखरोट अखरोट एक नट होता है, खाते ना आप लोग। बेटे, ऐसे आपको ओ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना है, इनको पढ़ेंगे, इसके बाद आपको एक कहानी दी हुई है वो भी आपको रीडिंग करके प्रैक्टिस करनी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रीडिंग कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। बेटे, ये कार्य आपको ब्यूटीफुली करना है और इसके बाद आपको चित्र देखकर शब्द है वो आपको अपने आप लिखने हैं। श्रुतिलेख मम्मा बोलेंगे आप लिखेंगे, वाक्य रचना जिस तरह से अब तक आपको मैम सिखाते आए हैं उसी चीज को फॉलो करते हुए बोल बोल के आपको लिखना है। आशा करती हूँ आपको ओ की मात्रा के शब्दों को लिखना पढ़ना व बोलना आ गया है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैम को फोन भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।